फिल्म है कि ऑल ओवर वो मतलब शराब बंदी होना चाहिए शराब तो बंद ही होनी चाहिए है ना, है ना। किस तरह का कहानी होगा? कहानी यही है कि शराब पीने से क्या हानि है, क्या नुकसान है, यही दिखाना है। इससे अच्छा बेटर मेरा जो प्रोड्यूसर साहब है ना, इनसे बताइए, ये अभी उसी जगह से आए हुए हैं जहाँ शराब बंद है और वहीं का फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ज़्यादा आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दीजिएगा। आप बताइए क्या कर रहे हैं किस वजह से, मतलब शराब बंदी नाम रखा, किससे लेके रखा, किस तरह से नीतीश कुमार ने जो बंद करवाया उसको लेके फिल्म आपने बनाई, किस तरह बनाया? देखिए, सबसे बड़ी चीज आप लोग जानते हैं कि जो शराबबंदी का जो कंसेप्ट था वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बिहार में शराबबंदी को लागू किया गया, जिसका हर स्टेट में इसकी चर्चा चल रही है। हो सकता है आने वाले स्टेट में, पहले भी गुजरात बंद था, और भी स्टेट जो है वो बंद करे। मेन मतलब था शराबबंदी का कि बिहार में जो हम ये सिनेमा बनाने जा रहे हैं, तो बिहार में इतनी गरीबी है, गरीबी के बाद जो मजदूर हैं, खास करके गरीब लोग जो काम करके आते थे, 200 रुपया 300 रुपया कमाते थे और उस पैसा को दारू में शराब में पी जाते थे। घर में आते थे, पत्नी को मारना, बेटे को पटक देना, चूल्हा फोड़ देना। आज ये जो स्थिति है बिहार की, वही व्यक्ति आज दूध का पैकेट ले जा रहा है, सब्जी ले जा रहा है, बच्चे को स्कूल ले जा रहा है, तो परिवर्तन तो आया है। यानी कि सिनेमा देखिए बनाने का मतलब हो जाता है कि उसका कुछ असर हो, ये नहीं कि सिनेमा बनाए उसको जो बोलते हैं कि राइट्स बेच दो, ये कर दो, मेरा मतलब उससे नहीं है। और सिनेमा बनाने का मकसद भी ये नहीं है कि पैसा कमाना, सिनेमा बनाने का मकसद कुछ उसका निचोड़ होना चाहिए कि सिनेमा का अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। तो उसी तरह शराबबंदी का मतलब ही हम लोग का बनाने का मतलब ही है कि लोगों के जीवन में सुधार है, लोगों में परिवर्तन है। जो लोग घर बर्बाद हो गया, आज वो आबाद हो रहा है। तो ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय जाता है और हम लोग इसके लिए बहुत खुश भी हैं, बिहार के लोग, कि जो इन्होंने शराबबंदी कानून लागू किया और लागू होने के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था बदली है, लोगों में अमन सुख शांति से जीत आज लोग जी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। इसी को लेकर हमने एक पहले भी सिनेमा बनाया था, छोटकी ठकुराई, जो कि वो भी नारी सशक्तिकरण पर था, वो तो देश का आज अहम मुद्दा है नारी सशक्तिकरण, उस पर बिहार सरकार ने भी हमारा काम कर रहा है, उस पर भी हमने सिनेमा बनाया था नारी सशक्तिकरण, जिसका बहुत आज देखिए करोड़ों में व्यू है, सब्सक्राइब भी लोग कर रहा है। तो उसी तरह हम लोग सामाजिक आदमी हैं और हमारा मेन मकसद रहता है कि एक ऐसी सिनेमा बनाया जाए जिससे लोगों में सुधार आए, लोगों के जीवन में सुधार आए। तो उसी उद्देश्य से ये शराबबंदी जो सिनेमा है हम बना रहे हैं। इसको बनाने के लिए मैं इनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और मैं यही इच्छा करूँगा कि बहुत कम समय में और अच्छा पिक्चर बने। अभी जैसे कि जो सवाल आपने अभी हमारे प्रोड्यूसर साहब, पहले तो मैं पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ सब अच्छा हो। तो जैसे कि अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला, प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि एक रियलिस्टिक सिनेमा बनाने की बात चल रही है। हालांकि अगर मेरे विज़न से देखा जाए तो मैं इसमें सटायर ही लिखूँगा, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग होगा इसमें, मतलब जो डायलॉग्स होंगे सीन्स के अंदर ह्यूमर भी होगा, मस्ती भी होगी, लेकिन विद मैसेज, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो शराबबंदी से जो होने वाले फायदे, जो परिवर्तन आया बिहार में, उस चीज़ को लेके आना है। लेकिन क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि 2 घंटे कोई हमें अगर दे रहा है तो सबसे पहला जो सिनेमा का एक मकसद होता है वो होता है मनोरंजन, तो हम मनोरंजन का ख्याल रखते हुए अपने संदेश को, जो एक मोटिव हमारे प्रोड्यूसर साहब का, डायरेक्टर साहब का जो विजन है, उसको हम अपनी स्क्रिप्ट के माध्यम से लाने का पूरा प्रयास करेंगे। एज ए फिल्म प्रोड्यूसर सेकंड में ये असम सर के साथ मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिल्म बाका है, फिर अस्तो सर भी हैं अपने साथ, अस्तो सर के साथ भी मैं जुड़ा हूँ।
और साथ में हम लोग कर रहे हैं जो शराबबंदी है, तो साथ में मिलजुल कर हम लोग कर रहे हैं इसको। सर जब ये कॉन्सेप्ट सुना आपने जी जी, तो क्या रिएक्शन रहा आपका, मतलब सर ने आपको डिस्कस तो किया होगा? हाँ सर से, तो क्या रिएक्शन था उसमें? सर से मैंने वो मेरे ऑफिस में सर मिले हुए थे, तो उन्होंने बताया कि शराबबंदी के बारे में काम कर रहा हूँ, तो मैं भी बिहार से हूँ और सर भी बिहार से हैं, तो मैंने बोला कि सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको करें आप करेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और सर सर के साथ स्टोरी भी डिस्कशन हुआ कि शराब पहले शराब जब चालू था तो क्या किस पोजीशन पे बिहार थी और आज बंदी है तो किस पोजीशन पर है। आज सभी लोग हैप्पी हैं, जो सर ने भी वो मैंने देखा भी इंटरव्यू दे रहे थे, बताएं कि शराब पहले चालू था तो जो छोटे मोटे मजदूर थे कि 100 रुपये 200 रुपये कमाते थे मगर शराब खरीदते थे, आज वही मजदूर सब्जी ले जा रहे हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, और मैं चाहूँगा कि जैसे बिहार में बंद हुआ है शराब, वैसे पूरे देश में बंद हो जाए, पूरे हिंदुस्तान में बंद है, तो बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है सर ये। नहीं, एज ए गेस्ट अपीयरेंस तो मुझे लग रहा है कि होना चाहिए नीतीश जी भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है नीतीश जी का कॉन्सेप्ट है ये। इस रोल में सीएम का रोल रहेगा, सीएम का क्योंकि उनका कंसेप्ट है, और इसमें सीएम का रोल रहेगा और होम मिनिस्टर का रोल रहेगा, विधायक लोग का रोल रहेगा, पक्ष और विपक्ष का रोल रहेगा, ऑपोजिशन का रोल रहेगा, मतलब सरकार को बदनाम करने के जो लोग कर रहे हैं उसका जिक्र इसमें रहेगा। मतलब सर ये पूरी फिल्म राजनीति की तरफ जाएगी? राजनीति के साथ जो सच्चाई है उसको दिखाया जाता है। इसमें ये नहीं है कि विपक्ष को बदनाम किया जाएगा या इस टाइप का कोई सोच नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है जो लोग बदनाम करने पर लगे हैं उनको भी दिखाया जाएगा, जो लोग सरकार में हमारे हैं उसमें भी कुछ हमारे अधिकारी लोग हैं जिसने सरकार को बदनाम कर रहा है उस चीज़ को भी हमने जिक्र करेंगे, वो लोग भी जेल जाएंगे। जी मेरा नाम उदय श्रीवास्तव है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से मैं 40 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, एक्टर हूँ और अभिनय करता रहा हूँ। हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर शम्स दुरानी भाई और इस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब जो शराबबंदी के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, मैं बिहार से हूं और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश बाबू की ये बहुत बड़ी ये सपना है कि इसको बिहार से मुक्त किया जाए, और हालांकि हाशिए पे भी ढकेला जा रहा है उनको ज़बरदस्त, जैसा कि भाई साहब ने बताया, लेकिन वो अपने मिशन में कामयाब है। और इतनी बुरी चीज़ है, कितने घर उजड़ गए हैं, इनसे दूर रहना ये है नाग विषधर, यही मादक दवाएं लिए मीठा जहर, ये मीठा जहर है सर। तो एक बहुत बड़ी पहल की, फिल्म तो सारे लोग बनाते हैं, करीब करीब 350 फिल्में हमारी रिलीज है, लेकिन किसी मुद्दे पर और बिहार के ज्वलंत मुद्दे पे एक फिल्म बना रहे हैं, तो इस फिल्म के डायरेक्टर और हमारे जितने निर्माता लोग हैं उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ कि हो कहीं भी आग लेकिन आग होनी चाहिए और इस हिमालय से एक और गंगा निकलनी चाहिए। एक बहुत ही ज्वलंत एक चीज लेकर के आया है शराबबंदी, जो बिहार में बहुत बड़ी समस्या थी, और नीतीश जी जिस हिसाब से उन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे लागू किया है, जिस जिद पे अड़े हुए उस चीज़ को उन्होंने कामयाब अभी तक कर दिया है, तो इससे बिहार खुशहाली हुआ है, बिहार का तो बहुत फ़ायदा हुआ है। शराब कतई अच्छी चीज़ तो नहीं है कि आप शराब पी रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको आदत लग जाती है तो आपका घर द्वार बिक जाता है। बिहार में एक ऐसा समय भी था, मैं पटना से ही हूँ, मैं ललितेश हूँ, मैं एक्टर हूँ, काफ़ी फिल्में की मैंने, तो आपके घर के बगल में एक ये हुआ करता था, वो अड्डा होता है शराब की भट्टी की कुछ दुकानें, और वहाँ बेमतलब के लोग खड़े हुए हैं, दारू पी रहे हैं, अनशन बोल रहे हैं, आपकी फैमिली उधर से गुजर रही है, तो सारी बदतमीजियाँ होती थी। ठीक है, एक लिमिट में उस चीज़ को आप नहीं कंट्रोल वहाँ कर सकते, तो गरीबी बहुत है बिहार में, हालाँकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जिसका व्यापार गलत ढंग से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक राहत है। आप बिल्कुल ही मरना चाहो तो उसका तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो नीतीश जी या इन लोगों की तरफ से जो भी है, ठीक है अपोजिशन का काम है बोलना, अपोजिशन तो बोलता ही रहेगा चाहे कहीं भी, आज मोदी जी कुछ भी काम करें पूरी अपोजिशन तोड़ जाता है, तो अच्छा काम अगर हो रहा है और हमारे बिहार में हो रहा है तो इससे अच्छी बात।